चलो। तो ये देखिए दोस्तों, ये मिला है रोटी चावल। अच्छा लगा बेटा आपको? थैंक यू। हाँ तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, और अभी उठ गए हम लोग। कितना अच्छा अच्छा बर्तन है, और दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। बस 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 अब जाओ खेलो। तो अभी वहाँ से चले आए थे और अभी हम लोग पहुँचे हैं, मतलब इधर। तो अभी दोस्तों जस्ट आए हैं घर पे। ये देखिए बाबा को बुला रही है मानसी। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ काजल और आप सभी को स्वागत है मेरे से यूट्यूब चैनल कपल एड ब्लॉग में। दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए, आशा है बने रहेंगे और लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे। उसके लिए आप सभी को हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस प्यारे से ब्लॉग को ट्रेन में से कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जैसे कि हमारा ऊपर वाला सीट है, आप लोग जानते हैं, और चलिए आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, और अभी उठ गए हम लोग। हेलो बेटा बोल दो। हेलो, अपना जो ड्राइंग लिया हो ना मैं, तो अभी ड्राइंग में मार्क किया हुआ है, ऐसे मार्क करके आते थे, इतने मार्क करके अब दिया हुआ है। ठीक है, अभी छोटा मोटा स्टेशन है शायद, समस्तीपुर पार कर गए थे ना, समस्तीपुर पार करके, मतलब 12 बजे तक पहुंच जाएंगे, 12 साढ़े 12 बजे तक। तो अभी चाय मंगाए हैं क्योंकि कैश नहीं था हमारे पास, तो कैश लेके किसी से मंगाए हैं चाय। और अभी देखिए हमारा ट्रेन चल रहा है, उसको उस समय लेना चाह रहे थे मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में वो काम किए हुए था। रात का जब पता ही नहीं चला, इतना नींद, इतना थकान था कि तुरंत आया और सो गए, तुरंत सोए और सुबह अभी उठे करीब 7:30-8 बज रहा है ना, 8 बजने वाला। और ये देखिए कितना मस्त नजारा है, देखने की बात नहीं है। क्या कर रही हो लला? अपने मन से दोस्तों निकाल के खा रही क्या बताओ? ये भी लगा दो? तो ये आपने क्यों निकाला? और ये क्या लगाई हो बेटा सर में? क्या लगाई? गिफ्ट है, लव लगा दूं? क्लिप है, रुको भी नहीं लगा है। तो दोस्तों अभी हम लोग मतलब कि सोनपुर शायद पहुंचेंगे, अभी टाइम है 4-5 घंटा में हम लोग सिवान पहुंचेंगे, 12:30-12:30 बजे। हाँ ठीक है, गुड जॉब। क्या आपको भी गाड़ी का? यहीं से घर देंगे आपको? अच्छा लेकिन इसलिए क्योंकि आपका घर अभी यहाँ से दूर है, करीब 200-300 किलोमीटर अभी है, 250 उतना भी ना, 200 लगभग होगा। आगे सोनपुर आएगा, सोनपुर के पास है, हाँ पटना, सोनपुर के पास आएगा छपरा, तब सिवान, सिवान से 35-40 किलोमीटर। कितना मस्त लाते रोडवा, पटरिया किनारे बता। आपको घुमा रहा है, चक्कर रहा है? नहीं, मैं झूला खेल रही हूँ अभी। झूला खेल रही हो? अच्छा लगा बेटा आपको? थैंक यू। हाँ बाबा को पैसे दे दिया ले लें, कितना क्यूट लग रही हो ना, खा लो, नहीं खा लो, आज दोस्तों को खिला रही हो, बाप रे। ये देखिए बांस आने का जल्दी, बांस जंगल। हाँ बेटा देख रहे हैं जंगल, डरावना जंगल तो डरावना है।
मानसी को सब लोग कह रहे थे वहां पे काफी अच्छी हिंदी बोल रही है। आपको डरावना कहानी बताती हूं। डरावना कहानी बताओगी? हाँ। बताओ बताओ। वो तोता पुल में भूत होता है? हाँ। भूत नहीं होता, भूत एक वहम है। तो चलिए अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है और। तो दोस्तों एक प्लेट खाना मंगाया है और काजल और मानसी हम तीनों इसमें से खाएंगे क्योंकि अभी 12 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे घर पे। तो थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं क्योंकि खाली पेट नहीं रहना चाहिए। और ये शायद कौन सा स्टेशन? सोनपुर होना चाहिए है ना? छपरा ना? छपरा अभी नहीं आएगा। छपरा तो एक घंटा डेढ़ घंटा पहले आएगा। रुको बेटा, रुको रुको रुको, उठाओ खाना, रुको पहले निकालने दो। दोस्तों को खिला रही हो? हाँ। अभी निकालेंगे तो खिला देंगे। आप खाओगे ना? अरे मानसी कह रही है वाओ कितना अच्छा, क्या पहुंच गए इधर, कितना अच्छा है ना। पौने दस तो शायद एक ना एक घंटा बाद सुन पूरा होगा। 9:45 सर? 9:49 से ज़्यादा। एक ना बाद तब छात्र आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये मिला है रोटी चावल और ये है सब्जी आलू का और एक भुजिया है आलू का और दाल और इधर है चटनी और खीरा। कह रही खा लीजिए दोस्तों। आराम से आराम से आराम से। किसको खिलाओगे? दोस्तों को। दोस्तों को खिलाओ, खिलाओ जल्दी से, खा लीजिए खा। बढ़िया। तो चलिए फटाफट से खा लेते हैं जल से। चाहिए पर पीछे कर ली, ऊपर थे वो छोटा चुप गोदाम उदाम खाने के लिए। अब आएगा सोनपुर, उसके बाद से छपरा, तब आएगा उसके बाद से दुरौदा, उसके बाद से एक कमा एक कमा छोटा मोटा। ये कोई डैम है ना? उना हाँ छोटका हाँ। पटना वाला तो बहुत टाइम लगता है पार करने में, ये छोटा वाला। ये हाजीपुर सोनपुर के बीच वाला एक है। अच्छा ये छोटा वाला, एक और है उधर बड़ा वाला। ये है वाला ना? नहीं ना, वो बड़का चका वाला है। ये हाजीपुर उतर के जब हम लोग सोनपुर वहाँ जाते ना, कि सोनपुर उतर के पटना जाते नहीं तब पड़े छोटका। तो अभी दोस्तों हम लोग मतलब छपरा जंक्शन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आधा घंटा रुकता, आधा घंटा रुकता नहीं, आधा घंटा पहले पहुंच गया इसलिए। क्योंकि इसका स्टॉपेज जो है ना बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लेट, मतलब कि इसका टाइमिंग जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के हिसाब से टाइमिंग बहुत ज़्यादा दे दिया गया है। अगर ये चाहेगा तो 8-9 घंटे में पहुँचा, उतना काफी है सिवान पहुंचाने। मतलब 550 किलोमीटर डिस्टेंस के 18 घंटा दे दिया है, बताइए। तो 550 किलोमीटर 18 घंटा काफी ज्यादा नहीं? पहले तो पहुंच जा रहा है मतलब समय से पहले, लेकिन अब वहाँ वेट करना पड़ेगा ना, जो टाइम दिया गया उसी टाइम पे पहुंचेगा, यही प्रॉब्लम है, इस वजह से टाइम लग रहा है। तो चलिए बहुत जल्द मंजिल नज़दीक आने वाला है। तो अभी सिवान स्टेशन आने ही वाला है जस्ट 2-3 मिनट में। चलिए मानसी सो गई थी ना, इसको उठाते हैं ना। और ज्यादा कुछ तो बना, अपन बैग पर्स ले लिया, चार्जर वगैरह सब रख लो, पर्स टांग ले लेना, सब कुछ रख दे लेना। तो अभी आ गया दोस्तों सिवान स्टेशन, दो मिनट लेते हो? हां ले लो, बबनी ले लो। हां बबनी का और बैग हमें लेते हैं। देखो आप खुश हो? ठीक है, चार्जर पर हमारा रख लो, दो सौ का बच्चों। किसने पेंट किया था? किसने पेंट किया था ब्लू गाय को? हमने किया था, सब लोग किए थे। सब लोग किए थे बेटा, मानसी तो की थी ना। और मैं पेड़ पे याद है आपको? हाँ मैं पेड़ पे पेंट
पेंटो को ना पेंटो कर रही वही बोल रही है। तो चलिए अभी उतरते हैं लबाब निकले के आगे चलो धीरे धीरे हम पेको लेकर आते हैं। तो अभी उतर गए हम लोग सिवान स्टेशन पे और ये एक्चुअली क्या है ना कि गाड़ी यहाँ पे छपरा में ज़्यादा देर तक रोक दिए थे है ना, तो लेट हो गया करीब आधा घंटा लेट चला है ना, 45 मिनट वहाँ रुका था पहले ही लेट हो गया तो आधा घंटा लेट चला। चले कोई बात नहीं चलते हैं बाहर है ना। तो अभी आ रहे हैं चलो आगे पीछे करे होंगे तो हो गया होगा। खोगरियाली में निकाल दी बाकी अंदर से निकाल दिए। तो अभी दोस्तों हम लोग सिवान स्टेशन से हाँ देखो देखो पापा को चोट लगा है ना बेटा। हाँ, कोई बात नहीं आपके पास दवाई निकालूंगी घर पे। ओके बेटा जाओ। वाह ठीक हो जाएगा। ठीक है जाओ बेटा खेलो दोनों लोग खेलो। तो अभी आए हैं हम भैया घर पे। मेरे पापा देखो मेरे पापा को चोट लगा बहुत डर से। बस 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 अब जाओ खेलो अब पापा जाना खाना खाने। तो जैसे कि हम लोग इधर से गए थे ना तो उस दिन भैया से बोले थे हम कि आते इस टाइम तो नहीं लेकिन आते टाइम जरूर आएंगे आपके घर। तो हम सिवान से डायरेक्ट यहीं आ गए। सिवान में ही है ये ज़्यादा दूर नहीं है 3 किलोमीटर स्टेशन से। तो आ गए थे हम लोग यहीं पे। तो अभी चलिए क्या बोल सकते हैं आप हम तो छोटे हैं। दीदी जी खाना बना रही हैं अभी लाएंगी और खाएंगे अभी है ना। अभी खाना आ रहा खाएंगे ठीक है। तो बहुत अच्छा आके लगा यहाँ पे और हम जब भी आते हैं या फिर कभी भी वहाँ बुला लेते हैं लेकिन इस बार घर पे आने था हमें आ गए। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत स्पेशल दिन है। हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि हमें यहाँ आने का मौका मिला और हम बहुत दिन से सोच रहे थे अभी बर्थडे में भी इनके आना है और जैसे घर भी हमारे कोई फंक्शन होता है तो हम इनको जरूर बुलाते हैं। तो चलिए पहले खाना आने देते हैं खा लेते हैं। उधर काजल और दोनों मतलब बहनें उधर गई हैं पता नहीं क्या कर रही हैं। बाबू दे कटोरा में हम खिला रहे उसको रहने दे मसाला दे कटोरा हम खिया तो नहीं दिया तो बात कर हम तो भीग गए हो। कितना अच्छा अच्छा बर्तन है और दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी दोस्तों फाइनली खाना पीना खाओ के अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। बहुत अच्छा लगा फिर आएंगे बहुत ही जल्द। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो चलिए अभी चलते हैं है ना कलर फिर आएंगे बहुत जल्द। चलिए अभी चलते हैं दोस्तों आप भी चलोगी ठीक है। तो अभी वहाँ से चले आए थे और अभी हम लोग पहुँचे हैं मतलब इधर आधा से ज़्यादा रास्ता में आ गए हैं और काजल यहाँ रुक के अमरूद खरीद रही है दादी जी से। यहाँ पूरा अमरूद का ही पेड़ है चारों तरफ। हाँ तो अब यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करीब यहाँ से 4-5 किलोमीटर और है। तो चलिए अभी चलते हैं अमरूद लेके। तो अभी दोस्तों जस्ट आए हैं घर पे। ये देखिए बाबा को बुला रही है मानसी कह रहे हैं कि ये किसने ताला लगाया रुकिए मैं बाबा से पूछती हूँ। बाबा से पूछने जा रही हो और जब हम लोग वहाँ से घूमते हैं ना तहाँ से मानसी पहचान जाते आ गए अपने घर वाला रोड में। लगता है जिस दिन से गए हैं बारिश नहीं हुआ बारिश नहीं क्या बोलो एकदम सूखा पड़ा। तो अभी पहुंच गए हैं घर पे अपने मान वो रुक जाओ बेटा बाबा आ रहे हैं ऐसे बुला रहे हाथ से। चलो दे खोल दे हटो बेटा हटो तुम बड़ी हो गई। तो चलिए अंदर आ गए चलाएं खोलो बहुत गर्मी हो रहा है ना। तो अभी दोस्तों हम लोग लेटे हुए हैं और बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। खाना पीना खा लिए हैं और ज़्यादा हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि थके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और आप सब इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक लीजिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों टेक केयर।